ओम शांति। आज 22 अक्टूबर 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, माया से डरो मत। भल कितना भी भुलाने की कोशिश करे, लेकिन थको नहीं। अमृत वेले उठ, याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। माया से डरो मत। माया से डरने की चीज नहीं, वो अपने अंदर ही होती है। अपनी कमजोरियों से डरना, तो हम उसको फेस कैसे करेंगे? इसलिए डरो नहीं। बाबा ने उसकी विधि बताई, अमृत वेला। प्रश्न है, पुरुषार्थ में आगे नंबर कौन से बच्चे लेते हैं? जो बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ते हैं, अर्थात कुर्बान जाते हैं, सबसे आगे वही जाते हैं। बाप पर बच्चे कुर्बान जाते और बच्चों पर बाप कुर्बान जाते हैं। तुम अपना कखपन, पुराना तन मन धन बाप को देते और बाप तुम्हें विश्व की बादशाही देता, इसलिए उसे गरीब निवास कहा जाता है। गरीब भारत को ही दान देने बाप आए हैं। बाबा गरीब निवास है और भारत देश बाबा को अति प्यारा है, और बाबा का अपना देश तो परम धाम है, जहाँ पर गरीब अमीर का सवाल नहीं होता। लेकिन एक तरीके से शिव बाबा भारत को चूज करता है, क्योंकि भारत को ही बाबा वैकुंठ बनाता है, और उसके बाद जो उसकी ऐसी गति हो जाती है, तो बाबा कहते हैं, मैं भारत को आके फिर से साहूकार बनाता हूँ, क्योंकि मेरी जन्मभूमि। गीत है, नहन हीन को राह दिखाओ, मीठे मीठे अति मीठे, ऐसे कहेंगे ना। बेहद का बाप और बेहद का प्यार, बेहद का बाप और बेहद का प्यार है। कहते हैं मीठे सिकी लदे बच्चों ने गीत सुना, राह एक बाप ही दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में राह बतलाने वाला कोई है नहीं, वहाँ ही ठोकरें खाते रहते हैं। अभी भल राह मिली है, फिर भी माया बाप के साथ बुद्धि योग लगने नहीं देती। समझते भी हैं एक बाप को याद करने से हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे, फिकरात की कोई बात नहीं रहेगी, फिर भी भूल जाते हैं। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, मुझ पतित पावन बाप को याद करो। फिर बाबा ने कहा कि बाप कहते हैं, मेरी मत कोई लंबी चौड़ी नहीं है। वो पढ़ाई कितनी लंबी चौड़ी होती है, ये तो बहुत सहज है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम जानकर औरों को बताते रहते हो। कैसे 84 का चक्र लगाया है, अभी वापस जाना है बाप के पास। बाबा हमको पूरी हिस्ट्री बताते हैं, कैसे आदि में थे और अभी अंत में आके कहाँ पहुँचे हो, और अब तुम्हारे ये 84 जन्म पूरे होते हैं, और अब तुमको जो है वापस घर लौटना है, फिर से नया सीन, नया कल्प आरंभ होता है। ये भी बाप ने बतलाया है, माया के तूफान बहुत आएंगे, इनसे डरो मत। सुबह को उठकर बैठेंगे, बुद्धि और ख्यालातों में चली जाएगी, 2 मिनट भी याद नहीं रहेगी। बाप कहते हैं, थकना नहीं है। अच्छा, 1 मिनट याद रही, फिर कल बैठना, परसों बैठना। अंदर में ये पक्का जरूर करो कि हमें याद करना है। अगर कोई विकार में जाता होगा, फिर तो बहुत तूफान आएंगे, पवित्रता ही मुख्य है। नहीं, बाबा कहते हैं कि डोंट गिव अप। एक ये होता है कि पुरुषार्थी चलते चलते कोई बात पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, और कोई बातों पर चाह करके भी नहीं कर पाते हैं। तो असली देखने की चीज ये है कि सच में चाहना है। अगर बार बार करने से नहीं हो रहा है,
तो ये चेक करना पड़ेगा। हम लोग कहते हैं मैं चाह के भी नहीं कर पा रहे, जहाँ चाहे वहाँ रहा है, आपकी विल में ज़रूर कहीं पर कमी है, इसलिए आप नहीं कर पा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे डोंट गिव अप, उसको करते रहो करते रहो करते रहो, आखिर वो हो जाएगा। और बाबा ने इतना अच्छा मोटिवेशन दिया कि एक मिनट ही याद करो, फिर कल बैठना, फिर परसों बैठना, दो मिनट, तीन मिनट, चार मिनट बढ़ाते जाओ, हो सकता है फिर एक मिनट पे आ जाओ, तो भी डरो नहीं। बाबा ने कहा, जानते हो ये पुराना शरीर है, बाप को याद करते रहेंगे तो कोई भी समय शरीर छूट जाए तो स्वर्ग में चलने लायक बन जाएंगे। बाप से कुछ ना कुछ ज्ञान तो सुना है ना, ऐसे भी हैं जो यहाँ से भागंती हो गए हैं फिर भी आकर अपना वर्षा ले रहे हैं। ये भी समझाया है, अंत मति सो गति होगी, समझो कोई शरीर छोड़ते हैं, संस्कार ज्ञान के ले जाते हैं, तो छोटेपन में ही इस तरफ उनको खींच होगी। भल ऑर्गन्स छोटे हैं, बोल नहीं सकते, परंतु खींच लेंगे। छोटेपन में ही संस्कार अच्छे होंगे, सुखदायी बनेंगे। क्योंकि ज्ञान का प्रभाव तो रहता है, अगर ज्ञान लेते लेते शरीर छोड़ देते हैं, दूसरे जन्म में जाते हैं, तो भी बाबा कहते संस्कारों में तो वो ज्ञान आ जाता है ना, तो उससे उसका प्रभाव फिर निकलता है। तो बाबा ने ये भी कहा कि तो यहाँ से जो जाते हैं तो छोटेपन में महिमा निकलती है। और आजकल हम देखते हैं बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, वैरायटी। तो यहाँ से ज्ञान लेके गए हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप से। आत्मा ही ज्ञान धारण करती है ना, बाकी रहा हुआ हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है। स्वर्ग में तो आएंगे ना, बाप के पास आकर मालिकम सलाम करेंगे, प्रजा तो ढेर बनेगी, बाप से तो वर्षा लेंगे। पिछाड़ी में कहा है ना, अहो प्रभु तेरी लीला। फिर बाबा ने कहा कि हरेक के पुरुषार्थ से पता लग जाता है कौन महाराजा महारानी बनेंगे, कौन प्रजा बनेंगे। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा। जो महाराजा महारानी बनने वाले हैं उनकी निशानी क्या होगी? सदा विजयी होंगे, हारने वाले नहीं होंगे। विजय का तिलक लगा के पैदा हुआ है। सफलता मेरा जन्म से अधिकार है। कदापि किसी बात से डरेंगे घबराएंगे नहीं, निर्भय होंगे, रॉयल होंगे, और सबसे बड़ी बात उनका पूरा अटेंशन पढ़ाई में होगा। पढ़ाई अच्छी पढ़ेंगे और दान पुण्य भी करेंगे, यानी पढ़ ज्ञान रत्नों का ध्यान करेंगे। तो बाबा ने कहा सारा पुरुषार्थ पर मदार है, कुर्बान भी होना होता है। बाप कहते हैं मैं गरीब नवाज हूँ, तुम गरीब ही मुझ पर कुर्बान होते हो, दान हमेशा गरीबों को ही दिया जाता है। फिर बाबा ने कहा कि तुम जानते हो वहाँ जितना अनाज धन आदि तुम्हारे पास होता है उतना और कोई के पास नहीं हो सकता। वहाँ तो कुछ भी पैसा नहीं लगेगा, मुट्ठी चावल दान करते हैं तो रिटर्न में 21 जन्मों के लिए महल मिल जाते हैं, जागीर भी मिलेगी। अभी तत्व भी तमो प्रधान होने कारण दुख देते हैं, वहाँ तत्व सतो प्रधान होते हैं। तुम जानते हो सतयुग में कौन कौन आएंगे, फिर द्वापर में फलाने फलाने आएंगे, कलयुग के अंत में छोटी छोटी टालियां मठ पंथ आदि निकलते रहते हैं ना, अभी तुम्हारी बुद्धि में झाड़ ड्रामा आदि की नॉलेज है, बाप के पाठ को भी जानते हो। महाभारत लड़ाई में दिखाते हैं 5 पांडव बचे, अच्छा फिर क्या हुआ?
जरूर जो राजयोग सीखे वही जाकर राज्य करेंगे ना, आगे तुम भी कुछ जानते थोड़ी थे। फिर बाबा ने बताया कि बाप के बने गोया इस दुनिया से मरे, फिर शरीर का भान नहीं रहता। बाप कहते हैं देह सहित जो भी संबंध है उनको भूल जाना है। इस दुनिया में जो कुछ देखते हो वो जैसे कुछ भी है नहीं, ये पुराना शरीर भी छोड़ना है। हमको जाना है घर, घर जाकर फिर आकर नया सुंदर शरीर लेंगे। अभी श्याम है फिर सुंदर बनेंगे, भारत अभी श्याम है फिर सुंदर बनेगा। फिर बाबा ने कहा अभी भारत है कांटों का जंगल, सब एक दो को काटते रहते हैं, कोई बात पर बिगड़ पड़ते हैं तो गाली देते हैं, लड़ पड़ते हैं। तुम बच्चों को घर में भी बहुत मीठा बनना है, नहीं तो मनुष्य कहेंगे इनसे इसने तो 5 विकार दान दिए हैं, फिर क्रोध क्यों करते हैं, शायद क्रोध दान नहीं दिया है। क्योंकि हमारा जो असली पढ़ाई का टेस्ट है वो हमारा घर में होता है, चैरिटी बिगिंस एट होम। और कितनी पढ़ाई पढ़ी है, धारण की है, वो आपको घर वाले अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। बाहर वालों के साथ तो सब बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन असलियत होती है घर वालों के साथ। तो बाबा कहते हैं कि घर में अगर मीठा नहीं चलते हैं तो क्रोध का वातावरण है, तो वो कहेंगे ना क्या करते हो जा करके। लेकिन घर वाले प्रोवोक भी करते रहते हैं, तो उसमें तो टेस्ट पेपर्स टेस्ट जो है वो घर से ज्यादा आता है, एक बड़ा एग्जाम है। बाबा ने कहा कोई को बीमारी आदि हुई तो कहेंगे देखो तुमने कृष्ण की पूजा छोड़ दी है इसलिए ये हाल हुआ है। ऐसे बहुत ही आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं, इसलिए ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती। ऊंचते ऊंच ये ब्राह्मण कुल भूषण है परंतु उनकी माला बन नहीं सकती। तुम्हारी बुद्धि में है ये शिव बाबा की माला है, फिर हम जाकर सत्युग में नंबर वार विष्णु की माला के दाने बनेंगे। तुम्हारा एक एक अक्षर ऐसा है जो कोई समझ न सके। बाप पढ़ाते रहते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं, प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहते भी हैं हम आकर समझेंगे, फिर घर गए घर में और खलास वहां की वहां रही। कहते हैं कि आते हैं प्रदर्शनी देखते हैं तो नई नई बातें लगती हैं, अच्छी लगती हैं, परंतु फिर कोर्स करो तो घर जाएंगे सब कुछ उड़ जाता है। बाबा ने कहा जो बाप की याद में अच्छी रीति रहेंगे वो ऐसे बैठे बैठे याद करते करते शरीर छोड़ देंगे, बस फिर आत्मा वापस आएगी नहीं, बैठे बैठे बाप की याद में गया। यहाँ हठयोग आदि की कोई बात नहीं है, जैसे देखते हो ध्यान में बैठे बैठे चले जाते हैं वैसे तुम बैठे बैठे ये शरीर छोड़ देंगे, सूक्ष्म वतन जाकर फिर बाप के पास चले जाएंगे। जो याद के यात्रा की बहुत मेहनत करेंगे वो ऐसे शरीर छोड़ेंगे, साक्षात्कार होता जाता है। ये सब आत्माओं की ऐसी नहीं होती है, लेकिन जिनकी जीवन बहुत अच्छी होती है तो उनको साक्षात्कार भी होता है। अब हम शरीर छोड़ने कई लोग तो बता देते हैं मैं इतने बजे जाऊंगी, जैसे हमारी पुष्प शांता दादी थी, उन्होंने बता दिया था मैं इतने बजे जाऊंगी। आज का वरदान है योगयुक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म व कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भव। योगयुक्त की निशानी है बंधन मुक्त। योगयुक्त बनने में सबसे बड़ा अंतिम बंधन है स्वयं को समझदार समझकर श्रीमत को अपनी बुद्धि की कमाल समझना, अर्थात श्रीमत में अपनी बुद्धि मिक्स करना, जिसे बुद्धि का अभिमान कहा जाता है। जब कभी कोई कमजोरी का इशारा देता है अथवा बुराई करता है, यदि उस समय जरा भी व्यर्थ संकल्प चला तो भी बंधन है। जब इन बंधनों को क्रॉस कर
हार जीत निंदा स्तुति में समान स्थिति बनाओ, तब कहेंगे संपूर्ण बंधन मुक्त। आज की मुरली में भी इसी तरीके की बात बाबा ने कही हुई है। स्लोगन है, पहले सोचना फिर करना, यही ज्ञानी तो आत्मा का गुण है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।